नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूँ आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन एक नजर आज की हेडलाइंस पे। कृषि कानून के विरोध में वाम दल के सभी संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलाया पुतला। सदर थाना क्षेत्र के पताही चौक स्थित मोबाइल दुकान चोरों ने 50,000 रुपए नकद समेत 10 लाख की चोरी की घटना को दिया अंजाम। और कृषि कानून के विरोध में उतरे किसानों के समर्थन में राजद कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। अब खबरें विस्तार से। वाम संगठन के सभी दलों ने संयुक्त रूप से कृषि कानून के विरोध में कल्याणी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। वाम संगठन के सभी दलों ने संयुक्त रूप से कृषि कानून के विरोध में कल्याणी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वाम दलों का आरोप है कि देश के किसान इस कानून के विरोध में कई दिनों से सड़क पर है लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वाम दल के सदस्यों ने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, सरकार को हर हाल में यह कानून को वापस लेना होगा। आज जो है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, आज बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों से किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ करके जो मोदी सरकार ने जो तीन जो काले कानून किसान विरोधी उन्होंने जो पास किया है उसको रद्द करने के सवाल पड़े ये आंदोलन आज है। आज के आंदोलन पर सवाल ये है वो तीनों कानून मोदी सरकार जो बिल्कुल कॉरपोरेट के पक्ष में किसानों की खेती को गिरवी रखने और कॉरपोरेटों के पक्ष में लाई गई नीतियां हैं जिससे खेती बर्बाद होगा, किसान गुलाम होंगे और फिर अंग्रेजों के दौर में उस गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। ये पूरी मोदी सरकार इसलिए इस कानून को रद्द करे और किसानों की जो मांगे हैं उनकी मांग को सुने और इस किसान आंदोलन पर जो की जा रही है दमन इस पर रोक लगाए। आज क्या किया है जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होगा किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों के समर्थन में जीरा राजद के कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में जिला राजद के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल से मार्च निकाला। मार्च में राजद के जिला अध्यक्ष विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। मार्च शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महानगर राजद अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है इसलिए आज हजारों किसान सड़क पर उतरे हुए हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर हो रहे निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिए पहुंचे डीआरएम के अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर गुरुवार की सुबह सोनपुर मंडल के डीआरएम अनिल कुमार गुप्ता ने प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कार्य को लेकर स्थानीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। कार्य बेहतर ढंग से होने को लेकर उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को बधाई दी। कहा कि कार्य पहले दिन काफी बेहतर हुआ है, अब इसे और आगे तक ले जाना है। कहा कि वह कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे, उन्होंने हर एक बिंदुओं पर विशेष दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गाड़ी से खत्म हो जाने के बाद प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर स्पीड बढ़ जाएगी, लंबी ट्रेन भी आसानी से प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाएगी जिससे कि यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। लाइन पर पानी जम जाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी और ट्रेनों का परिचालन सुगम हो जाएगा। स्थानीय अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि बैरिकेटिंग को लेकर यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो रास्ता चयन किया गया है उसी रास्ते से यात्रियों का आवागमन हो। प्लेटफॉर्म संख्या 1 अभी डेंजर जोन है, लगातार ट्रैक्टरों व बड़ी मशीनों का परिचालन हो रहा है, इसको लेकर सभी लोगों को सतर्क कर दिया जाए। काम हो रहा है वही देखने आए थे हम लोग, 15 तारीख तक चलेगा मेगा ब्लॉक। बस बाकी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से गाड़ी चल रही है नॉर्मल,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बदलाव वगैरह भी किए गए? नहीं, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, एक आध ट्रेन को एक्सटेंड किया गया है बस। सर, ये जो काम चल रहा है इसमें किस तरह के बदलाव होंगे एक नंबर प्लेटफॉर्म पे? एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आपका स्पीड बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्पीड रिस्ट्रिक्शन था 10 किलोमीटर का, तो उससे इससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी निकलेगा तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो बढ़िया हो जाएगा। भगवानपुर स्थित चल रहे सर्विस लेन के निर्माण कार्य का निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। भगवानपुर फ्लाईओवर के नीचे सर्विस लेन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें दोनों सर्विस लेन का निर्माण कार्य किया जाएगा। फिलहाल अभी एक तरफ का कार्य चल रहा है और NHAI के द्वारा 31 दिसंबर तक कार्य को पूर्ण कर लेने का आश्वासन दिया गया है। वही कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने बुधवार को जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि भगवानपुर फ्लाइंग ओवर रेवा रोड NH 102 पर बना हुआ है, जिसमें सर्विस लेन के नाले में बिजली के पोल की समस्या थी, जिसके कार्य का सामान भी आ गया है और इसका निर्माण कार्य चल रहा है। अभी एक साइड का कार्य चल रहा है, 31 दिसंबर तक इसे पूर्ण करने का आश्वासन NHAI के द्वारा दिया गया है और इसके बन जाने से आम पब्लिक को राहत मिलेगी और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। भगवानपुर फ्लाईओवर हम लोगों का रिवर रोड में NH 102 में बना हुआ है, इसका सर्विस लेन का इशू था, नाला का इशू था, इसको हम लोगों ने रिजॉल्व किया है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है, एक साइड में अभी चल रहा है, ये 31 दिसंबर तक पूर्ण करने का आश्वासन NHAI द्वारा दिया गया है। उनके कार्य की प्रगति को देखने के लिए हम लोग स्थल पर आए हैं और इसमें बिजली का पोल जो रास्ते में नाला के रास्ते में आ रहा था उसको शिफ्ट करने का इशू है, वो भी मटेरियल इन लोगों का आ गया है, कल से उसको शिफ्ट करना शुरू करेंगे और बोले हैं कि 15 दिसंबर तक एक साइड को क्लियर करके लोग दे देंगे, आम पब्लिक के लिए आवागमन शुरू हो जाएगा और अगले 15 दिन में दूसरे साइड का भी बना करके ये उपलब्ध करा दें, उसी का निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे। ये बन जाने से थोड़ा आम पब्लिक को राहत होगी और जो जाम की समस्या है उससे भी इस रोड में मुक्ति मिलेगी। स्मार्ट सिटी समेत शहर की समस्याओं को लेकर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी शहर की समस्याओं और स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान विजेंद्र चौधरी ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के कार्यों को सिटी पार्क और नाला निर्माण कार्य को लेकर चर्चा की। जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, मुजफ्फरपुर शहर के विकास के संबंध में, स्मार्ट सिटी है, सिटी पार्क है, नाला का निर्माण है, सफाई की व्यवस्था है, अपराध पर नियंत्रण है, इन सारी बातों पर उनसे चर्चा हुई है और हमने आग्रह किया है कि इस पर तेजी से काम हो और हम लोग का जो सहयोग है जनप्रतिनिधि के तौर पर हम बहुत तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान होना जरूरी है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए श्री न्यूज के साथ। इस दिवाली पीतांबरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीतांबरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाए, और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीतांबरी ज्वेलर्स। करियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाए जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है करियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479
7735 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है, आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के पताही चौक स्थित मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर 50,000 नगद समेत 10 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जिले में चोरों का दहशत जारी है, प्रतिदिन कहीं न कहीं चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे चोर और पुलिस चोरों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। एक ऐसी ही घटना सदर थाना क्षेत्र के पताही चौक के समीप से आई है, जहां चोरों ने बीती रात विराट मोबाइल नामक दुकान का शटर तोड़ लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया।
चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब दुकान बंद थी और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर दुकान में रखे 50,000 नगद समेत लाखों के सामान चोरी कर ले गए। घटना के संबंध में देवरिया थाना क्षेत्र के बुद्धिमानपुत गांव निवासी दुकानदार से ओम प्रकाश पांडे ने बताया कि कल शाम लगभग 7 बजे दुकान बंद कर घर चले गए और आज सुबह ही इस घटना की जानकारी स्थानीय दुकानदारों द्वारा मिली। उन्होंने बताया कि जब दुकान पर पहुंचकर देखा तो दुकान का शटर टूटा हुआ है और दुकान में रखे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। दुकानदार ओम प्रकाश ने बताया कि आकलन करने के बाद दुकान में 50,000 नगद समेत लगभग 8 से 10 लाख रुपए, स्मार्टफोन, टैब समेत कई अन्य सामान गायब है। उन्होंने इस घटना की शिकायत सदर थाना में दर्ज करवाई है। कल 7 बजे हम दुकान बंद करके गए, सुबेरे 8:30 में फोन आ गया यहाँ से कि आपका दुकान का शटर का ताला टूटा हुआ है और आया है तो ये सब देख लीजिए, यही सब कहानी है और 8 से 10 लाख रुपया का नुकसान है, 50,000 से ऊपर का कैश था और हेडफोन टहाट ऐसे सीरीज भी नहीं छोड़ा है, सब ले गया। आए हैं तो दुकान का कंडीशन क्या था? दुकान का कंडीशन यही बिगड़ा हुआ था, रद उड़ है सब सब लेकर के वो टोरे हुए था सब। अच्छा, मार्केट में सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है? नहीं, सीसीटीवी कैमरा नहीं। मार्केट में और कोई लोग रहते हैं कि नहीं? नहीं, मार्केट में कोई नहीं रहता है, उन्हें पीछे में लोग रहता है तो लोग। पुलिस कंप्लेन वगैरह हुआ है? पुलिस तो इसमें अभी तक हम कंप्लेन किए हैं लेकिन कुछ अच्छा से तहकीकात नहीं कर रहा है। कितने का सामान था और कितने की? 8 से 10 लाख रुपए की सामान। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने निजी लैबों को जांच करने की अनुमति दे दी है और इसका शुल्क भी घटा दी है। राज्य सरकार ने कोरोना जांच को लेकर बड़ी राहत दी है। राज्य के निजी लैबों में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच कराने के लिए अब मात्र 300 रुपए लगेंगे। इससे पूर्व 1500 रुपए देने पड़ रहे थे। साथ ही घर से सैंपल लेने के लिए पहले की तरह 300 रुपए अतिरिक्त लेंगे। वहीं रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच अब मात्र 250 रुपए में होगी। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के निजी पैथोलॉजी संस्थानों में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की नई दरें जारी की है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में यह जांच फ्री है। राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट दूसरे प्रदेशों से अधिक 97.11% है। सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि आईसीएमआर ने कोरोना जांच की अनुमति निजी लैबों को दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी लैबों को 1500 रुपए की दर से कोरोना की अनुमति दी गई थी। दूसरे राज्यों में शुल्क में कमी को देखते हुए राज्य में भी इसकी दर संशोधित करते हुए मात्र 800 रुपए कर दी गई है। सिविल सर्जन ने निजी अस्पतालों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे लेने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या गाइडलाइन जारी किया? निजी अस्पताल को भी डायरेक्शन दिया गया है कि 20% बेड्स आप कोरोना मरीज के लिए सुरक्षित रखें। ये कोरोना जो है वैश्विक महामारी के रूप में यहाँ तक पहुँचा था, इसलिए एक रूटीन फॉर्म में अब ट्रीटमेंट होगा, इसलिए आप भी इसको ट्रीटमेंट दें। इसके लिए आपको जो ट्रीटमेंट देंगे उनको एंटीजन टेस्ट के लिए परमिशन दिया गया है और परमिट उस पर जांच करें और लोगों का इलाज करें। मरीज को चार्जेस क्या देना होगा? एंटीजन के लिए तो 700 के लिए आया था, डायरेक्शन भी दे दिया जा चुका है। आरटीपीसीआर के लिए भी 250 रुपये का पहले शुरू में आया था, अब तो 800 रुपया हो गया है। सब सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सबको सूचना भी दे दी। अगर निजी अस्पताल उल्लंघन करते हैं तो इसके लिए क्या स्वास्थ्य? कोरोना एक्ट के तहत तो कार्रवाई होगा, आपदा के तहत कार्रवाई होगा, प्रशासन कार्रवाई करेगा। विश्व मुख बाधिर दिवस पर इनरविल क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर और वागेश्वरी मुख बाधिर संस्था ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया। वागेश्वरी मुख बाधिर आवासीय विद्यालय में इनरविल क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर और वागेश्वरी विकलांग संस्था ने संयुक्त रूप से विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस अवसर पर इनरविल क्लब द्वारा ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें जीते हुए मुख बाधित प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। विश्व विकलांग दिवस के पूर्व संध्या पर इनरविल क्लब और मुजफ्फरपुर द्वारा पूर्व में पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई थी, जो बच्चे इसमें सफल हुए हैं प्रथम द्वितीय तृतीय, उनको मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किए हैं। और कोरोना काल चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। और इस संस्थान के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए इनरविल क्लब और मुजफ्फरपुर ने संस्था को भी मेमेंटो और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।